बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जर्मनी पे। जर्मनी स्टडी वीजा इस वक्त बहुत ही प्रोमिनेंट है, स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आ रहा है। नॉर्थ इंडिया, खास करके पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है जर्मनी स्टडी वीजा में। सो जानेंगे क्या रीजन है, जर्मनी का क्रेज अब धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है। आज के हमारे गेस्ट हैं स्टडी स्केयर से सीनियर कंसल्टेंट अनीता जी। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सो अनीता जी, जर्मनी को लेकर एकदम से इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है? एक मैंने चीज जो समझी है वो ये है कि जब कोई कंट्री पॉजिटिव साइंस देता है कि वी आर रियली इंटरेस्टेड कि हम स्टूडेंट्स यहाँ आए, तब एकदम से स्टूडेंट उसको नहीं समझते। पर जब पहला बैच जाता है, जब दूसरा बैच जाता है और वो वापस फोन करके बताता है ना कि हम यहाँ बहुत खुश हैं, वो माउथ पब्लिसिटी से फिर वो मोमेंटम क्रिएट होता है। सो जर्मनी जी इस मायने में कहाँ स्टैंड करता है? जी तो अगर मैं बात करूं यूरोप की, तो यूरोप में जो सबसे रनाउंड जो डेस्टिनेशन है दैट इज जर्मनी। तो अगर मैं जर्मनी की बात करूं, फर्स्टली स्टूडेंट क्यों जर्मनी जाते हैं, बिकॉज अगर उनके पास एक जर्मनी का वीजा है तो वो 29 कंट्रीज में कहीं पे भी जा सकते हैं। तो वो एक उनका जो वीजा है वो शेनिगन वीजा आ जाता है, विच इज द बेस्ट थिंग। दूसरी चीज, स्टूडेंट जर्मनी क्यों जाना चाहते हैं, बिकॉज जर्मनी जो है अपने आप में ही एक टेक्निकल हब है। जितनी भी मर्सिडीज बेंज हैं, ऑडी है, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे ही होती है। तो स्टूडेंट्स को जॉब की अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। तीसरा, जो पार्ट टाइम स्टूडेंट्स काम करते हैं उनको वेज रेट जो मिलता है वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छा मिलता है और डेस्टिनेशन से। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जर्मनी में स्टूडेंट्स, अगर आपकी थोड़ी सी वीक प्रोफाइल भी हो, लेट सपोज आप आईएलटीएस काफी टाइम से कर रहे हो लेकिन आप किसी रीजन से आपके जो आईएलटीएस हैं वो 6 ईच ही आपके आए हैं या फिर 5.5 आप स्कोर कर पा रहे हो, तो भी जर्मनी में यू कैन अप्लाई विद द 5.5, यू कैन अप्लाई इन बैचलर्स और मे बी इन मास्टर्स। जरूरी नहीं है कि जर्मनी में, जर्मन में जाने के लिए आपको डच लैंग्वेज चाहिए। अगर आपके इंग्लिश सिलेबस आपने पढ़ा हुआ तो आप उसके बेसिस में भी जर्मन में जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अगर आपके प्रोफाइल की रेलेवेंसी, लेट सपोज आपने इंडिया में बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है लेकिन अब आप मूव होना चाहते हैं बैचलर ऑफ आईटी के लिए, सो दिस इज द ओनली डेस्टिनेशन जो कि आपके इन रेलिवेंट प्रोफाइल में भी एक फाउंडेशन देगी एंड उस फाउंडेशन से आपको एजुकेशन करवाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप देख रहे हैं स्कॉलरशिप की ऑप्शन, सबसे पहले मैं फीस की बात करूंगी, तो जर्मनी में जो फीस क्राइटेरिया होता है, यू कैन गो विद योर 1 ईयर ट्यूशन फीस। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी है जो हाफ ईयर की ट्यूशन फीस भी एक्सेप्ट कर लेती है। रेंज रहेगी ट्यूशन फीस की, रेंज रहेगी 7 to 8 lakhs। सो ये साल की ट्यूशन फीस आपकी जाती है। कुछ यूनिवर्सिटी जहां पे हाफ ईयर की ट्यूशन फीस आपने करनी है तो 3 से 4 लाख के करीब भी आप अपनी ट्यूशन फीस पे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो वो आपको स्कॉलरशिप भी देते हैं। स्कॉलरशिप को जो टर्म यूज करते हैं वो डिस्काउंट की टर्म यूज करते हैं, तो स्टूडेंट्स आर गेटिंग अ वेरी वेरी गुड डिस्काउंट। सो दिस इज दीज आर द बेनिफिट। अगर आपकी प्रोफाइल में गैप पड़ गया है, आपकी एज कंपैरेटिवली ज्यादा हो गई है, आप 40-45 ईयर्स पे भी हो लेकिन अब आपका प्लान बन रहा है कि हमें जर्मनी का स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना चाहिए, देन येस दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, यू कैन अप्लाई। सो इसी के लिए ही हमने एक हमारा एक ऑफिस में एप्लीकेशन डे है 19 जुलाई को, जो कि हम चंडीगढ़ के ऑफिस में ही कर रहे हैं। काफी यूनिवर्सिटीज से डेलीगेट्स आ रहे हैं जर्मनी के स्पेसिफिकली, तो आप इनसे आके अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हैं, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज पूछ सकते हैं। और जर्मनी के अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज हमारे पास यूके की भी होंगी जहां पे आप अपनी डिजायर्ड कोर्स एंड यू कैन आस्क योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो अनीता जी, जो जो एस्पेक्ट आपने शेयर किए, मेरे को लगता है वो सारे नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट की अगर बात करें सारे वही कंसर्न होते हैं। आई थिंक जर्मनी ने बहुत ध्यान से स्टूडेंट के कंसर्न समझ के सारी चीजों को स्मूथ किया है। सो एप्लीकेशन डे के बारे में तो बात करेंगे, अगर आप थोड़ी सी फीडबैक शेयर कर सके, जर्मनी जो स्टूडेंट गए हैं क्या फीडबैक है उनकी, खुश हैं जॉब से रिलेटेड, क्या क्या फीडबैक है नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट की खास करके? जी, तो अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे जर्मनी में जितने भी स्टूडेंट्स गए उनका फीडबैक बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। एक तो उनको जो इस टाइम पे मेजरली डेस्टिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में जो मेजर डेस्टिनेशन में ये प्रॉब्लम आ रही है कि इट्स वेरी लेंथी प्रोसेस, तो वो चीज नहीं रहेगी। वहां पे जाके स्टूडेंट्स को इजिली अकोमोडेशन मिल रही है, जॉब्स इजिली मिल रही है, तो ये इन चीज
लोगों के पास, दूसरा ये है कि आपके जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत इजी गोइंग रिक्वायरमेंट है जो कि स्टूडेंट्स इजीली मीट कर सकते हैं। सो 19th को एप्लीकेशन डे है, स्टूडेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर आए और क्या डिलीवर होएगा उनको? जो भी स्टूडेंट जर्मनी के लिए, यूरोप के लिए, यूके के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके वो आप एकेडमिक्स अपने जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं वो लेके आए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वो लेके आ सकते हैं। आपने IELTS PT कर रखा है तो वो भी आप साथ में लेके आए, सो दैट बिकॉज आप यूनिवर्सिटी के डेलीगेट्स के साथ आपकी मीटिंग है तो वन गो में ही विद डॉक्यूमेंटेशन आप ऑन द स्पॉट एप्लीकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आपका जो एप्लीकेशन फी वेवर भी आपको मिलेगा उस दिन, ऑन द स्पॉट एप्लीकेशन होगी, तो इस चीज का स्टूडेंट्स फायदा उठा सकते हैं। जी सो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, डेट आप मत भूले, 19th of July है। कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप अनीता जी से, अनीता जी की टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।